आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि कश्मीर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये मार्च का महीना जो था, मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ट्रैवलर्स के नज़र आए। 900 ट्रैवलर्स श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च के महीने में पॉजिटिव आए और ये हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस जो हैं पिछले 11 महीनों में थे। इससे पहले जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हाईएस्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सितंबर के महीने में था, जब 793 पैसेंजर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए थे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कल के दिन ही 44 नए केसेस कोविड-19 के श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखने को मिले, जिससे मार्च के महीने की पूरी टैली जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव कोविड केसेस की वो 900 हो गई। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में एयर ट्रैफिक भी बंद था, मई के महीने में दोबारा से एयर ट्रैफिक को रिज्यूम किया गया था और डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर संतोष ढोके का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहना है कि सितंबर के महीने में लास्ट ईयर जो है 3,000 से 4,000 टोटल पैसेंजर्स थे, इतना फुटफॉल आ रहा था, लेकिन अब जो है पैसेंजर्स ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, लगभग 8,000 से 9,000 पैसेंजर्स आ रहे हैं, इसी के चलते जो है केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये भी देखा गया कि मई के महीने में, मई 2020 की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि तभी से जो है एयर ट्रैफिक दोबारा शुरू हुई थी, मई 2020 में 52 पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के आए थे, जून में 135 केसेस आए थे, जुलाई में 234 केसेस आए थे, अगस्त में 602 केसेस आए थे, सितंबर में 793 केसेस आए थे, अक्टूबर में 399 केसेस आए थे, नवंबर में 378 केसेस आए थे, दिसंबर में 268 केसेस आए थे और अब जो है जनवरी में 303 केसेस आए थे, फरवरी में 557 केसेस आए थे और मार्च में हाईएस्ट नंबर जो है वो देखने को मिला 900 कोविड पॉजिटिव केसेस का। और ये मैं केवल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ, ये वो लोग हैं, आप भी जानते हैं कि जब आप फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, तो आपका कोविड टेस्ट होता है, मैंडेटरीली कोविड टेस्ट होता है। तो ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो वहाँ पर कोविड पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। पूरे अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो आज के दिन में 4 मौतें कोविड के कारण हो चुकी हैं, जिनमें से 1 जम्मू डिवीजन से हुई है और 3 मौतें कश्मीर डिवीजन से कोविड-19 के कारण हुई हैं। साथ ही में 461 नए पॉजिटिव केसेस भी आज जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिनमें से 100 जम्मू डिवीजन से थे और 361 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से पॉजिटिव देखने को मिले। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताना ये भी ज़रूरी है कि सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटीज़ ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं और ये कहा है कि कम से कम 5 दिनों तक DPS बड़गाम जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी 2 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। 2 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद ये कहा गया कि लगभग 5 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो सके, स्कूल भी डिसइनफेक्ट हो सके। और साथ ही में ये जो 2 मेंबर्स हैं, एक टीचिंग फैकल्टी का हिस्सा हैं और एक नॉन टीचिंग स्टाफर हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं, उन्हें भी कह दिया गया है कि वो सेल्फ आइसोलेट करें। साथ ही में ये बताया जा रहा है, खबर ये आ रही है कि 6 टीचर्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में भी पॉजिटिव आए हैं। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो है प्रीलिमिनरी यही खबर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं आपको बता दूँ तो आज के दिन में कश्मीर डिवीजन में जो 361 केसेस आए हैं, इनमें से 55 ट्रैवलर्स थे और 306 लोग जो हैं वो लोकल से जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। वहीं जम्मू डिवीज़न में 100 लोग कोविड पॉजिटिव आज के दिन में आए, जिनमें से 83 लोकल्स थे और 17 केवल ट्रैवलर्स थे जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आज दोबारा से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर 157 कोविड-19 के केसेस आज के दिन में देखने को मिले, जिनमें से 44 ट्रैवलर्स थे और 113 जो हैं लोकल्स से जो कोविड पॉजिटिव आए। बारामूला में 76 केसेस आए हैं, 1 ट्रैवलर है, 75 लोकल्स हैं। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में 26 केसेस देखने को मिले, 26 के 26 केसेस लोकल्स के थे। पुलवामा में 10 केसेस आए हैं लोकल्स के, कुपवाड़ा में 10 केसेस आए हैं, 1 ट्रैवलर है, 9 लोकल्स हैं। अनंतनाग में 19 केसेस आए हैं, 5 ट्रैवलर्स हैं, 14 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। बांडीपुरा में 5 केसेस हैं, 5 केसेस लोकल्स के हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। गांदरबल में 6 केसेस रिपोर्ट किए गए, 2 ट्रैवलर्स हैं, 4 लोकल्स हैं। कुलगाम से 49 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 2 ट्रैवलर्स हैं, 47 लोकल्स हैं। और शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 3 केसेस देखने को मिले, तीनों के तीनों लोकल्स के थे जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। कश्मीर डिवीजन की टोटल कोविड पॉजिटिव की टैली आज के दिन की 361 है।
जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए तो जम्मू डिवीजन में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ट्रेंड यही देखने को मिल रहा है कि जब दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कश्मीर में श्रीनगर में आ रहे हैं और जम्मू में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन में 61 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए, जिनमें से 5 ट्रेवलर्स हैं और 56 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उधमपुर से 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, चारों ट्रेवलर्स के हैं। रजौरी में 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, चारों लोकल्स हैं। डोडा से भी आज एक केस जो है वो देखने को मिला है और वो एक केस भी लोकल का है जो कोविड पॉजिटिव आया है। कठुआ की अगर बात करें तो 21 केसेस कठुआ में भी आए हैं, जिनमें से एक ट्रैवलर है और 20 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं कठुआ में। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि लखनपुर एरिया को जो है रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा सांबा की अगर बात की जाए तो 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 5 ट्रैवलर्स हैं, एक लोकल है। किश्तवाड़ से कोई पॉजिटिव केस जो है आज के दिन में नहीं आया। पुंछ से जो है 3 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 2 ट्रैवलर्स हैं, एक लोकल है। रामबन और रियासी से भी आज के दिन में कोई पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला है। जम्मू डिवीजन का टोटल जो है 100 न्यू केसेस आज आए हैं और 83 जो है उनमें से वो लोकल्स हैं, 17 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। ओवरऑल आज के दिन में 461 नए केसेस कोविड 19 के आ चुके हैं और एक्टिव पॉजिटिव केसेस की टैली जो है 2874 पहुंच चुकी है। उसके अलावा आप तक ये पहुंचाना ज़रूरी है कि क्योंकि आज वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो उसका नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है और 40 एंड अबव जो लोग हैं वो खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। इसी के चलते जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामुल्ला ने भी एक स्पेशल कोविड 19 वैक्सीनेशन की ड्राइव कंडक्ट की, जहां पर गवर्नमेंट फंक्शनरीज को वैक्सीनेट किया गया जो शेड्यूल फॉर्म किया गया था उसके अकॉर्डिंगली। उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल्स डीसी ऑफिस में काम कर रहे थे बारामुल्ला में, उनकी भी आज वैक्सीनेशन जो है वो कंडक्ट की गई। जहाँ तक बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की, उन्होंने उलमा से, इमाम से और पीआरआई से बात की है कि वो लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें कोविड 19 वैक्सीन को लेकर। ये कहा है कि मॉस के मेगाफोन से इस्तेमाल की जाए कि इमाम जो हैं वो लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। तो ये सब काम किए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और अब क्योंकि 45 एंड अबव जो हैं वो कोविड 19 की वैक्सीन लगा सकते हैं, तो सभी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही अपील कर रही है कि वो अपनी वैक्सीन लगवा लें।